हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दी लीड कोड डेली चैलेंज आज हम डिस्कस करेंगे माई कैलेंडर वन एंड कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैूगल फ्लिक्सपोर्ट ऊबर एमेजॉन एडोब माइक्रोसॉफ्ट एप्पल ट्विच ओके सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर इंप्लीमेंटिंग अ प्रोग्राम टू यूज एज योर कैलेंडर वी कैन एड अ न्यू इवेंट इफ एडिंग द इवेंट विल नॉट कॉज अ डबल बुकिंग अ डबल बुकिंग हैपन्स वेन टू इवेंट हैव सेम नॉन एम इंटरसेक्शन दैट इज समन टू बोथ इवेंट्स The events can be represented as a pair of integers start and end that represent a booking on the half open interval. Start, select, end. The range of real number x such that start is less than or equal to x but less than end. Okay, so basically end is not included. Implement the myCalendar class. MyCalendar class initializes the uh, calendar object. Then book function what it does is return true if the event can be added into the calendar without causing a double booking, otherwise return false. Okay. एंड डो नॉट एड ऑबियसली कुछ एग्जाम्पल्स हैं कंस्ट्रेंस की बात करें तो स्टार्ट और एंड आपकी टेन टू पार नाइन तक जाएगी एटमोस्ट थाउजेंड कॉल्स विल बी मेड टू बुक फंक्शन ठीक है ओके सो लेट मी शो यू दिस आपके पास एक क्लास होगी माई कैलेंडर नाम की उसमें दो फंक्शन है जो ऑलरेडी उनकी डेफिनीशन नहीं है बट उनकी डेक्लेरेशन है ओनली आपको इसे इसकी डेफिनीशन भी प्रोवाइड करनी है माई कैलेंडर एंड बुक फंक्शन ठीक है अब काम क्या है इन दो फंक्शंस का मैं आपको बताता हूँ सो बेसिकली कैलेंडर के टर्म्स में नॉन ब्लॉकिंग इवेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ अगर कोई भी इंटरवल है ठीक है स्टार्ट से लेके एंड तक ठीक है तो उस पर आप एक इवेंट स्टोर करते हो ठीक है ये स्टार्ट एंड एंड बेसिकली आपके टाइम डेट कुछ भी हो सकते हैं इस क्वेश्चन में मैंशन नहीं है स्पेसिफिकली खाली इंटरवल बोला जा रहा है तो स्टार्ट से लेके एंड तक एक इवेंट स्टोर होता है जिसमें एंड इंक्लूसिव नहीं होता एक्सक्लूसिव होता है कहने का क्या मतलब है जैसे कोई इवेंट है ये वाला टेन कॉमा ट्वेंटी तो वो एक्चुअली टेन टू नाइनटीन स्टोर्ड है ठीक है टेन से ले कर तक वो ईवेंट ब्लॉक हो चुका है ट्वेंटी पे कुछ भी नहीं है ठीक है बट इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है टेन से ले कर ट्वेंटी तक ओके तो ये आइडिया है अब आपका टास्क क्या है कि आपको अपने कैलेंडर में इन इवेंट्स को स्टोर करना है ठीक है यूजिंग बुक फंक्शन और अगर स्टोर नहीं हो पाता तो रिटर्न फॉल्स स्टोर कब नहीं होगा जब दो इंटरवल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं देखते हैं जैसे यहाँ पे 10 से लेके 20 तक ठीक है तो यहाँ मैं बनाता हूँ 10, ये रहा टेन ये रहा ट्वेंटी ध्यान रखना ट्वेंटी क्या है एक्सक्लूसिव है ट्वेंटी इज नॉट इंक्लूडेड आपका इवेंट एक्चुअली नाइनटीन तक है ठीक है सो so, नेक्स्ट आते हैं फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फ़ाइव अब फिफ्टीन आपका इधर कुछ ऐसा लाई करेगा राइट फिफ्टीन से लेकर ट्वेंटी फाइव तो देखो ये ओवरलैपिंग पार्ट हो गया तो हम क्या करेंगे हमने क्योंकि इसे स्टोर कर लिया था हम इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे तो आउटपुट पे ध्यान दो पहला आया टेन कॉमा ट्वेंटी जब आपका एमपटी था तो आपने कहा यार रिटर्न ट्रू ठीक है नेक्स्ट आया फिफ्टीन कामा ट्वेंटी फाइव आपने ऑलरेडी टेन ट्वेंटी स्टोर कर रखा है तो ये स्टोर नहीं होगा तो ये आप टू रिटर्न फॉल्स नेक्स्ट चलते हैं ट्वेंटी से लेके कर थर्टी तक दिस इज इंटरेस्टिंग अब ट्वेंटी से लेके कर थर्टी तक ठीक है तो ऑल दो ट्वेंटी आपको लग रहा होगा ओवरलैपिंग है बट अगेन टेन से लेके 19 तक था पहला वाला और अगला वाला ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी नाइन तक है एक्चुअली तो ये स्टोर हो सकता है 19 एंड ट्वेंटी के बीच में कोई ओवरलैप नहीं है सो दिस कैन बी इजिली स्टोर सो यू कैन रिटर्न ट्रू ठीक है बस ये है आपका क्वेश्चन बिज सॉल्व कैसे करा जाए तो so, एक टेक्निक है आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच ठीक है ब्रूट फोर्स में आप क्या करोगे नॉर्मल आइट्रेशन ठीक है जैसे हम यहाँ पे क्या बनाएंगे एक लिस्ट बना लेंगे लिस्ट ऑफ इंटरवल्स ओके ये मेरी एम लिस्ट है इनिशियली कोई भी इंटरवल नहीं है आपके पास अब तो आप स्टार्ट करोगे आपको पहली वैल्यू मिलेगी टेन कॉमा ट्वेंटी ठीक है तो आपके पास कोई इंटरवल ही नहीं है लिस्ट एम्प्टी है तो आप डायरेक्टली इसमें क्या इंसर्ट कर सकते हो टेन कॉमा ट्वेंटी ठीक है ये आपने अपनी लिस्ट में इंसर्ट कर दिया ठीक है नाउ नेक्स्ट इंसर्ट करते हैं फिफ्टीन कॉमेट ट्वेंटी फाइव तो अगेन हम इस लिस्ट को आइट्रेट करेंगे और हम चेक करेंगे क्या फिफ्टीन कॉमेट ट्वेंटी फाइव कहीं पे फिट बैठ रहा है कैसे चेक करेंगे आपको क्या करना है आपको खाली चेक करना है ठीक है तो इफ़ वी कैन राइट दिस इज एग्जिस्टिंग ठीक है ये एग्जिस्टिंग है और ये आपकी इनपुट है ठीक है ऐसा कुछ समझ लो सो so, मैं इसे ई एस और ई ई बुला रहा हूँ ठीक है एग्जिस्टिंग का स्टार्ट एग्जिस्टिंग का एंड और इसे आई एस एंड आई ई बुला रहा हूँ ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ओके okay, अभी लिखेंगे पहले मैं तुम्हें कंडीशन बताता हूँ ठीक है देखो तो ये देखो ये है आपका एक ये है आपका दो ठीक है ये दोनों केस क्या है ये आपकी नॉन ओवरलैपिंग है ठीक है तो यू वी कैन कॉल इट एज केस ए ठीक है ये वाला केस ए है एंड वी कैन कॉल दिस एज बी ये वाला केस बी है तो कब कब ओवरलैप नहीं होगा ये आपका स्टार्टिंग ये आपका एंडिंग ये आपका स्टार्टिंग ये आपका एंडिंग ठीक है कब कब ओवरलैप नहीं होगा तो जब भी तुम्हारा एंड स्टार्ट से पहले आ जाए तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं है जब भी तुम्हारा स्टार्ट एंड के बाद में आ जाए तो ओवरलैप पॉसिबल नहीं है ठीक है तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ इनपुट का एंडिंग ठीक है इज एक्चुअली लेस देन एग्जिस्टिंग है उसका स्टार्टिंग ठीक है एग्जिस्टिंग का स्टार्टिंग बट हमारे केस में जो एंडिंग है वो क्या है एक्सक्लूसिव नहीं है तो ये एक्चुअली ई माइनस वन है तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो आई ए माइनस वन इज लेस देन ठीक है एग्जिस्टिंग का स्टार्टिंग और दूसरा केस क्या बनेगा इनपुट का स्टार्टिंग इज ग्रेटर देन एंडिंग ठीक है इनपुट का स्टार्टिंग ज ग्रेटर देन एग्जिस्टिंग का एंडिंग माइनस वन ठीक है अगेन माइनस वन ही कंसिडर करेंगे ठीक है तो इस केस में देर इज नो ओवर लैप ठीक है तो जब ओवर लैप नहीं तो यू कैन इंसर्ट ठीक है आप अपनी लिस्ट में इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट इन लिस्ट ठीक है एंड रिटर्न ट्रू ठीक है अदरवाइज बाहर आके यू कैन रिटर्न फॉल्स दिस इज़ ब्रूड फोर्स अप्रोच ठीक है अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली एन स्क्वेयर जाने वाली क्यों आप एक एलिमेंट को उठाओगे ठीक है इसे आपने टेन ट्वेंटी उठाया फिर आपने देखा एक्जिस्टिंग लिस्ट एम टी है टेन ट्वेंटी आपने इंसर्ट कर दिया ठीक है नेक्स्ट आपने फिफ्टी ट्वेंटी उठाया फिर से आपने पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स किया अभी एक ही एलिमेंट है बट आप ट्रैवर्स कर रहे एनी हुए अब फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन कॉमा ट्वेंटी फाइव एनी वे इन्सर्ट नहीं हो पाया ठीक है ओवरलैप हो जाएगा तो इंसर्ट हम नहीं करेंगे नेक्स्ट चलेंगे ट्वेंटी कॉमा थर्टी ठीक है तो ट्वेंटी आपका यहाँ पे आ जाएगा इसको कह देते हैं ट्वेंटी इसको कह देते हैं थर्टी वाली कंडीशन चेक करो इनपुट uh, का एंड ठीक है इनपुट का एंड मतलब थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन ठीक है ट्वेंटी नाइन इज ट्वेंटी नाइन लेस देन टेन तो ट्वेंटी नाइन इज नॉट लेस देन टेन ठीक है तो कोई बात नहीं हमारे पास और ऑपरेटर है नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं इनपुट का स्टार्टिंग ठीक है इनपुट का स्टार्टिंग मीन्स ट्वेंटी इज ट्वेंटी ग्रेटर देन ट्वेंटी माइनस वन ठीक है uh, एक्जिस्टिंग का एंडिंग इज ट्वेंटी ट्वेंटी माइनस माइन इज नाइनटीन इज ट्वेंटी ग्रेटर देन नाइनटीन येस ट्वेंटी इज ग्रेटर देन नाइनटीन तो ये कंडीशन ट्रू हो गई आप अपनी लिस्ट में इंसर्ट करके रिटर्न ट्रू कर सकते हो ठीक है डन तो इस तरीके से आप क्या कर दोगे इसे भी अपनी लिस्ट में इंसर्ट कर दोगे बट यू कैन सी दिस इज़ अ लीनियर ऑपरेशन ठीक है काफ़ी टाइम लगा रहा है तो एनी वे इसका कोड आप खुद से लिख सकते हो बस ये वाला लॉजिक आप ऐड कर देना आपका काम हो जाएगा इफ़ देर इज नो ओवरलैप इंसर्ट एंड रिटर्न ट्रू इफ दिस ओवर लैप रिटर्न फॉल्स ठीक है कंस्ट्रक्टर में आपको क्या करना पड़ेगा खाली अपना लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा दिस विल बी लिस्ट ऑफ एन एरे ऑफ साइज टू ठीक है लिस्ट ऑफ टू साइज का एरे ऐसा कुछ आपको डिफाइन uh, करना पड़ेगा स्टार्ट कॉमा एंड आपकी वैल्यू स्टोर करोगे आप ठीक है स्टार्ट कॉमा एंड ये एक एरे में दो पार्ट में आप स्टोर कर सकते हो सो दिस इज नॉर्मल लॉजिक बट अगेन एन स्क्वायर वी डोंट लाइक एन स्क्वेयर तो इसे ऑप्टिमाइज कैसे करें तो ओवरहेड हेड यहाँ पे क्या है देखो आपके इंटरवल्स अगर सॉर्टेड होते ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके इंटरवल्स सॉर्टेड होते तो आप और इजीली पता कर सकते जैसे मैं बताता हूँ जैसे इंटरवल अगर होता अगर ऐसा इंटरवल्स होते ठीक है ये आपके इंटरवल्स अगर ऐसे होते सो कितना डिफ़िकल्ट होता इंसर्ट करना अब आपको क्या करना पड़ता है आप कोई भी रैंडम वैल्यू x कॉमर वाई स्टार्ट एंड लेके आते इससे कंपेयर करते इससे करते इसे इस करते बट इन अगर ये क्या होता सॉर्टेड होता तो आप वन लाइन में कंपेयर कर सकते थे आप इवन माइंड सर्च लगा सकते थे कैसे देखो ये हो गया टेन 13 थर्टीन ठीक है फर्स्ट इंटरवल कॉमा नेक्स्ट इज़ फिफ्टीन 25, ट्वेंटी फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव एंड नेक्स्ट इज़ ट्वेंटी सेवन थर्टी टू ठीक है ट्वेंटी सेवन थर्टी टू अब इधर देखो सर्च करना कितना आसान है अब आपको एक्सकॉमा वाई इधर इंसर्ट करना है तो आप बाइनी सर्च लगा के देखोगे कि क्या यहाँ पे इंसर्शन पॉसिबल है क्या इससे ओवरलैप कर रहा है अगर इससे ओवरलैप नहीं कर रहा है और ऐसा कंडीशन है कि वो इधर लाई करेगा तो आप इधर मूव करके इंसर्ट करने का ट्राई करोगे अगर ओवरलैप नहीं कर रहा है और इधर इंसर्ट करें छोटी वैल्यू तो आप इधर लाई करोगे जैसे कि फॉर एक्ज़ाम्पल अगर मुझे इंसर्ट करना होता थर्टीन कॉमा फोर्टीन uh, ठीक है थर्टीन कॉम ऑफ फोर्टीन तो मैं बायनी सर्स लगा था बेसिकली इसे सॉर्ट किया मैंने स्टार्ट टाइम के बेसिस पे ठीक है स्टार्ट टाइम के बेसिस पे ना हम आ गए यहाँ पर बाइनी सर्स से हमें मिडल ये मिला अब हम कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको देखोगे कि थर्टीन कॉम ऑफ फ़ोर्टीन आपके फिफ्टीन के इस तरफ लाई करेगा एंड देर इज नो ओवरलैप ठीक है तो हम फिर इससे चेक करेंगे कि इस पर ओवरलैप तो नहीं है तो आपको स्टिल ओवरलैप नहीं मिलेगा ठीक है तो आप कह सकते हो कि येस वी कैन इंसर्ट ईर और प्रॉब्लम है इज कि जब आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपको इन सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा ठीक है तो दिस शिफ्टिंग कैन बी अवॉइडेड कैसे कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो एलिमेंट्स को सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करता है और उसमें इंसर्शन टाइम भी आपका लॉग अर्थ में कॉफ एन है कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है सोचो तो क्योंकि एरे में ओवरहेड क्या है कि आपने एलिमेंट को इंसर्ट किया तो आप शिफ्टिंग करोगे शिफ्टिंग कैन बी ओ ऑफ एन इन वर्स्ट केस बट अगर आप ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर सोच पाओ जिसमें इंसर्शन भी लॉग इन होता है और डेटा स्ट्रक्चर भी सॉर्टेड होता है ओके सो वी हैव कम ऑन टू बैलेंस्ड ट्रीज ओके बैलेंस ट्रीज के टॉपिक पे हम आ गए बैलेंस्ड बी एस टी ओके बैलेंस्ड बी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है यूजिंग ट्री मैप क्लास ठीक है तो हम ट्री मैप क्लास यूज करके इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वी कैन कॉल ट्री मैप क्लास एंड आर टास्क विल बी डन तो ट्री मैप एक्चुअली रेड ब्लैक ट्री होता है ठीक है इट इज सेम एज ट्रीज अच्छा ट्री uh, मैप अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड कर रहे हो बेसिकली सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हो तो आप ऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हो ठीक है ऑर्डर्ड मैप ओके सो मैंने यहाँ पे एक मैप क्रिएट कर लिया मैं इस मैप का हेल्प लूंगा ठीक है दिस इज योर ट्री मैप ओके ट्री मैप एंड मैं यहाँ पे लोअर की मेथड यूज करूँगा लोअर की मेथड क्या करता है बेसिकली आपकी ऐसी वैल्यू रिटर्न करता है विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन योर की ठीक है अभी देखेंगे क्या मतलब है इसका तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं पहली वैल्यू है टेन कॉमा ट्वेंटी तो मैं जब लोअर की करूँगा तो मैप में कोई वैल्यू नहीं मुझे नल मिलेगा तो इन केस ऑफ नल मैं इंसर्ट कर सकता हूँ ठीक है की ट्वेंटी इसकी वैल्यू सॉरी की टेन इसकी वैल्यू है ट्वेंटी ठीक है

हम क्या करेंगे हम जैसे फिफ्टीन कॉमर ट्वेंटी फाइव इंसर्ट करें और एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड है यानी कि मैं ये चेक कर रहा हूँ फिफ्टीन कॉमर ट्वेंटी फाइव तो क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा ट्वेंटी फाइव से किसी भी बड़ी वैल्यू से नहीं वो डेफिनेटली ओवरलैप नहीं करने वाला है मेरा खाली काम होने वाला है कि अगर ट्वेंटी फाइव से कोई छोटी वैल्यू मेरे मैप में प्रेजेंट है तो वो ओवरलैप कर सकती है तो मैं इसके एंड से कॉल लगाऊंगा और मैं कहूँगा यार ट्वेंटी फ़ाइव से छोटी सबसे बड़ी वैल्यू मुझे निकाल के दो ठीक है वाई सबसे बड़ी वैल्यू बिकॉज मान लेते हैं यहाँ पे एक और एंट्री होती फाइव से लेके सेवन तक ठीक है फाइव से लेके सेवन तक तो फाइव से सेवन आपका इधर लाइक कर रहा है ठीक है एंड इसके बाद टेन से ट्वेंटी ठीक है ऐसा कुछ लाइक कर रहा है तो फाइव से 7 तो पिक्चर में ही नहीं है अगर ओवरलैप होना होगा टेन से ट्वेंटी पे हो जाएगा ठीक है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं एक ही वैल्यू मंगा रहे हैं दैट इज मेन यूज केस ऑफ लोअर की मेथड तो ये क्या करेगा फाइव कॉमर सेवन हटा देते हैं ये क्या करेगा टेन कॉमा ट्वेंटी रिटर्न करके देगा ठीक है मुझे इंटरवल मिल गया टेन से लेकर के ट्वेंटी तक वाला ठीक है ये इंटरवल मुझे मिल चुका है अब ओवरलैप कैसे चेक करेंगे बहुत सिंपल है आपको खाली ये चेक करना है कि अगर आपकी स्टार्टिंग वैल्यू इज एक्चुअली ठीक है इज दिस फिफ्टीन इज एक्चुअली लेस देन ट्वेंटी ठीक है दिस वैल्यू इज लेस दैन दिस इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है ये आप ऐसे कह सकते हो कि टेन से लेके नाइनटीन तक इंटरवल था तो इसे दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं फिफ्टीन इज लेस देन इक्वल टू नाइनटीन अगर ये कंडीशन फिट हो रही है तो दैट मीन्स ये क्या है ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं ठीक है थीके? तो हमें पता चल गया यार कि ये इंटरवल ओवरलैप कर रहा है तो ऑब्वियसली इसे इंसर्ट नहीं करेंगे डन नेक्स्ट चलते हैं अगली वैल्यू है ट्वेंटी कॉमा थर्टी तो ये आ गया आपका ट्वेंटी ये आ गया आपका थर्टी फिर से चेक करते हैं ये वैल्यू ट्वेंटी इज ट्वेंटी लेस देन इक्वल टू अभी आपके मैप से लोअर की लेके आएंगे एंड वैल्यू थी हमारी थर्टी तो फिर से लोअर की में आपको एक ही वैल्यू तो एक ही मिलेगी टेन कॉमर ट्वेंटी सो ट्वेंटी माइनस वन इज़ नाइनटीन इज ट्वेंटी लेस देन इक्वल टू नाइनटीन कंडीशन फॉल्स दैट मीन्स देयर इज़ नो ओवरलैप तो अगर ओवरलैप नहीं है तो क्या करो ब्लाइंड इंसर्शन ट्वेंटी से लेकर के थर्टी तक आपने इंसर्ट कर दिया एंड वी आर डन हमारा जो इनपुट है दैट इज़ ओवर नाउ सो वट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच तो uh, जो आपका ट्री ऐप है उसमें सर्चिंग सभी निंस आपके लॉग ऑफ एन ऑपरेशन होते हैं ठीक है बिकॉज एनी वे इट इज़ अ मतलब बैलेंस काइंड ऑफ होता है ठीक है तो चलो इसकी मतलब एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी तो जो आपका बुक फंक्शन है उसमें आप दो काम कर रहे हो सबसे पहले आप सर्च करके ला रहे हो यूजिंग दिस लोअर की सो दिस टेक्स लॉग एन ऑपरेशन एंड उसके बाद आप इंसर्शन भी कर रहे हो सो दैट टेक्स अनदर लॉग ऑफ एन ऑपरेशन ठीक है तो एक बुक फंक्शन में आप दो लॉग एंड ऑपरेशन कॉल कर सकते हो इन दी वर्स केस क्योंकि जरूरी नहीं आप हर बार इंसर्ट करो बट इन दी दर्स केस एंड आई थिंक क्वेश्चन में गिवन था कि आप थाउजेंड टाइम्स इस एपीआई को कॉल करोगे तो थाउजेंड इंटू टू ऑफ लॉग ऑफ एन ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई ठीक है स्पेस कितनी होने वाली है जितना भी आप इंटरवल्स इंसर्ट करोगे तो वर्स्ट केस में आप आई थिंक जितने गिवन उतने ही इंसर्ट कर सकते हो दिस विल बी दी ओवरऑल स्पेस सो वी विल स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ ट्री मैप इन टीच कॉम इन टीच ठीक है लेट्स कॉल इट एज मैप माई कैलेंडर इज अ कंस्ट्रक्टर इसमें हम इसे इनिशलाइज कर देंगे मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप बाय डिफॉल्ट ये आपका तो कैसे सॉर्टेड होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमें टेंशन नहीं लेनी इस बात की अब बुक मेथड पे आ जाते हैं सो वी विल कॉल इन टीचर प्रीवियस वैल्यू ठीक है प्रीवियस वैल्यू इज इक्वल टू मैप डॉट लोअर की फंक्शन लोअर की फंक्शन और इसमें हम अपना एंड पास कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रीवियस वैल्यू नाउ ओवरलैप वाला केस चेक करते हैं कि इफ

ये आ yeah, गया आपका एंड एंड यू कैन से रिटर्न टू सो या दैट्स इट चलो इसे रन कर आते हैं इट विल वर्क एंड इट डिड नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट एडी टू बर्सन फास्ट ठीक है सो बस ये था आज की वीडियो में आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी ट्री मैप क्लासेस की एक ही बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इंप्लीमेंटेशन है तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूँ आपसे बहुत चल नेक्स्ट लेक्चर में तब तक लिए बाय बाय एंड